स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर अमित वशिष्ठ एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल. इन आवर लास्ट वीडियो वी हैव सीन टू एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. हमने दो एप्लीकेशन देखी थी डायमेंशनल एनालिसिस की. आज मैं आपको सेकेंड एप्लीकेशन के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा. आप ध्यान से उन न्यूमेरिकल्स को देखिएगा, समझिएगा. फाइन. So students, our first question is A and B are two physical quantities having different dimensions, then which of the following operation is correct? देखिए, दो physical quantities हैं A और B. आपको उनकी dimensions अलग अलग दी हुई हैं. Question में ये बोला गया है कि A और B की dimension अलग अलग हैं. तो आपको ये ध्यान रखना है students. आपको बोला हुआ है कि ए की डायमेंशन जो है वो बी की डायमेंशन से अलग है. दे आर हैविंग डिफरेंट डायमेंशंस. देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज करेक्ट. आपको बताना है इन चारों ऑपरेशन में से कौन सा ऑपरेशन करेक्ट होगा. तो देखिए, ए प्लस बी मींस यू आर एडिंग टू क्वांटिटीज विद डिफरेंट डायमेंशंस. सो यू कैन नॉट डू दिस ऑपरेशन. आप ये ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इसको अलाउ ही नहीं करता है. व्हाट वाज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? ओनली दोज क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड विच आर हैविंग सेम डायमेंशंस. और यहाँ पे तो डायमेंशन अलग अलग हैं, तो हम उनको ऐड नहीं कर सकते हैं. सो दिस ऑपरेशन, फर्स्ट ऑपरेशन, इज नॉट अलाउड. फाइन. सेकेंड वन, लॉग ए बाय बी. तो देखिए स्टूडेंट, ये लास्ट टाइम मैंने आपको नोट बताया था कि लॉग फंक्शन का जो आर्ग्यूमेंट होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो आर्ग्यूमेंट होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो आर्ग्यूमेंट होगा, वो डायमेंशनलेस होना चाहिए. अगर इसको डायमेंशनलेस होना है स्टूडेंट, देन ए मस्ट हैव सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ बी. ए की डायमेंशन बी के बराबर होनी चाहिए, तभी ये क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा. लेकिन यहाँ पे तो हमें दिया हुआ है ए की और बी की डायमेंशन अलग अलग है, तो इसका मतलब स्टूडेंट लॉग के अंदर जो आर्ग्यूमेंट होगा वो डायमेंशनलेस नहीं बन पा रहा है. सो दिस ऑपरेशन इज आल्सो नॉट अलाउड. थर्ड ऑपरेशन इज अलाउड स्टूडेंट्स, क्योंकि इनकी डायमेंशन कुछ भी हो लेकिन हम उनको डिवाइड कर सकते हैं इजीली. तो इस चीज को करने से हमें कोई नहीं रोक रहा है. वी कैन डिवाइड द टू क्वांटिटीज विच आर हैविंग डिफरेंट डायमेंशंस. ओके, तो हम उन क्वांटिटीज को डिवाइड कर सकते हैं, जैसे फोर्स डिवाइड बाय मास. ये फिर से स्टूडेंट ई टू द पावर ए बाय बी, अगेन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो आर्ग्यूमेंट होगा वो डायमेंशनलेस होना चाहिए. ये डायमेंशनलेस नहीं हो रहा है क्योंकि ए और बी की अलग अलग डायमेंशन है. सो दिस ऑपरेशन इज आल्सो नॉट अलाउड. सो ओनली दिस थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. वी कैन डिवाइड टू क्वांटिटीज हैविंग डिफरेंट डायमेंशंस, बट ये रेस्ट ऑफ द थ्री जो ऑप्शंस बच गए आपके पास वो इनकरेक्ट है स्टूडेंट. ओनली थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. फाइन. सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन. A dimensionless quantity may have units. Comment on this statement. Also tell if converse is true. So first of all, आपको देखना है क्या ये statement सही है students. A dimensionless quantity may have units. Yes, of course. And what is the name of that quantity? That quantity is students angle or solid angle, because angle is a ratio. It is the ratio of arc length to radius. So it is having no dimensions. It is having no dimensions, or the dimension of angle is m0, l0, t0. But still it is having a unit. So answer is students, you can give answer by giving an example. That is angle. Angle is the quantity which is having units, but it is a dimensionless quantity. और एंगल की यूनिट क्या होती है स्टूडेंट्स? एंगल को हम रेडियन में मेजर करते हैं. यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियंस. रेडियन, आर ए डी.
बट इट इज हैविंग नो डायमेंशन. सो स्टूडेंट्स दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी मे हैव यूनिट्स. यस इट इज ट्रू. नेक्स्ट इज ऑल्सो टेल इफ कन्वर्स इज ट्रू. आपको बताना है क्या इसका उल्टा, इसका विपरीत क्या वो करेक्ट होगा और इसका उल्टा क्या होगा. दैट इज अ क्वांटिटी विच इज यूनिटलेस कैन हैव डायमेंशंस. नो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. इफ अ क्वांटिटी इज नॉट हैविंग एनी यूनिट्स. अगर कोई क्वांटिटी है स्टूडेंट उसकी यूनिट नहीं है तो उसकी डायमेंशन भी नहीं होंगी. फाइन. सो कन्वर्स इज नॉट ट्रू. आपको यहां पे लिख देना पड़ेगा कन्वर्स इज नॉट ट्रू. फाइन. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो हेयर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स. इंटीग्रेशन dx अंडर रूट 2ax माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू a टू द पावर n साइन इनवर्स x बाय a माइनस 1. तो ये एक फॉर्मूला है स्टूडेंट, मैथमेटिकल फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का. आपको इसमें n की वैल्यू निकालनी है. देखिए अभी ज़्यादा मैथमेटिक्स में ना जाते हुए हम यहाँ पे केवल फिजिक्स करने की कोशिश करेंगे. मैं देखिए आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जितने भी फंक्शन होते हैं ये, जितने भी ये आपके ऑपरेशंस होते हैं, वेदर इट इज़ डेरिवेटिव और यू कैन से इंटीग्रेशन प्लस और माइनस, इनमें आप इनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है. These mathematical operations are dimensionless. इनकी कोई dimension नहीं होगी और you can just leave them. आप इनको आसानी से छोड़ सकते हो. So we can solve this question by simple dimensional analysis. देखिए मैं LHS की dimensions निकाल सकता हूँ और RHS की dimension निकाल सकता हूँ और दोनों को अगर मैं equate कर दूँ then I'll get the value of n. देखिए कैसे करेंगे. सबसे पहले मैं LHS की dimension लिख लेता हूँ left hand side की. देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट, इंटीग्रेशन डायमेंशंस ऑफ इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाय 2ax माइनस x स्क्वायर. और मैंने आपको बताया था जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, वेदर इट इज इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कुछ भी रहे स्टूडेंट, उसको आप छोड़ सकते हो, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी. सो यू विल गेट, देखिए ऊपर आ जाएगा ये d इंटीग्रेशन, ये नहीं रहेगा डायमेंशंस में, x बचेगा ऊपर केवल. अब नीचे आ जाइए, देखिए इसमें स्टूडेंट रूट के अंदर ये कोई 2ax माइनस x स्क्वायर है. तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि जो डायमेंशन 2ax की होंगी वही x स्क्वायर की होंगी, तभी तो आप उनको सब्ट्रैक्ट कर पा रहे हो. दैट मीन्स स्टूडेंट इसकी डायमेंशन भी x स्क्वायर के बराबर होंगी और इसकी डायमेंशन भी x स्क्वायर के बराबर होंगी. ओके okay? और ये तभी पॉसिबल है जब a की डायमेंशन x के बराबर हों, क्योंकि 2 का फैक्टर जो है स्टूडेंट उसको तो वैसे ही छोड़ दो आप, क्योंकि कांस्टेंट है. a की डायमेंशन x के बराबर होंगी तभी यहाँ पे ये x स्क्वायर की डायमेंशन के बराबर होगा पूरा इसका. तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ स्टूडेंट, और x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करोगे तो उसकी डायमेंशन भी क्या आनी है, x स्क्वायर के बराबर ही आनी है. लास्ट क्लास में मैंने बताया था सेम डायमेंशन में से अगर आप सेम डायमेंशन माइनस करोगे, सपोज एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस करोगे तो आपको जीरो नहीं मिलेगा स्टूडेंट, यू विल गेट द डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर. सो स्टूडेंट इसकी डायमेंशन भी एक्स स्क्वायर है, इसकी भी एक्स स्क्वायर है, और जब दोनों को माइनस करोगे तो एक एक्स स्क्वायर लिख सकते हो. अब उसका रूट हो रहा है तो मैंने रूट के लिए हाफ पावर यहाँ पे लगा दी. यू विल गेट एक्स डिवाइड बाय एक्स, क्योंकि टू से ये हाफ का फैक्टर, ये टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स बचेगा. सो फाइनल आंसर इज स्टूडेंट्स यू विल गेट x रेज टू द पावर 0, क्योंकि ये x x डिवाइड हो जाएगा 1 आ जाएगा, या फिर आप लिख सकते हो x टू द पावर 0. तो ये LHS सोल्व कर लिया. अब सिमिलरली हम RHS सोल्व कर लेते हैं. देखिए RHS के अंदर स्टूडेंट ये तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, उनकी डायमेंशन कुछ नहीं होंगी स्टूडेंट, दे आर हैविंग नो डायमेंशंस, दे आर डायमेंशनलेस. सो इट इज डायमेंशनलेस. सो यू आर लेफ्ट विद, मैं पूरा लिख लेता हूँ पहले, a टू द पावर n साइन इनवर्स x बाय a माइनस 1. सो जब आप इसकी डायमेंशन निकालेंगे तो उसमें केवल स्टूडेंट्स डायमेंशन बच जाएंगी a टू द पावर n. ओके और मुझे पता है स्टूडेंट a की जो डायमेंशन है वही किसकी डायमेंशन है, x की. ये मुझे कहाँ से पता चला, मुझे यहाँ से पता चला था स्टूडेंट, क्योंकि a की जो डायमेंशन है वही x की होनी पड़ेंगी, क्योंकि वो डायमेंशन जब बराबर होंगी तभी आप एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर की डायमेंशन को माइनस कर सकते हो. तो यहाँ पे आप चाहो तो लिख भी सकते हो, फ्रॉम दिस वी कैन गेट
दैट डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स, ये हमें पता चल रहा है यहाँ से। दूसरा आप इसको यहाँ से भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ से भी आपको ये बात पता चल रही है क्योंकि ये एक नंबर है स्टूडेंट, वन इज ए नंबर, तो एक्स बाय ए को भी क्या होना पड़ेगा, एक नंबर होना पड़ेगा। और अगर ये एक नंबर है दैट मीन्स स्टूडेंट्स डायमेंशन ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए, देन ओनली इट विल बी अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, क्योंकि ये तो डायमेंशनलेस है, इसको डायमेंशनलेस होने के लिए एक्स और ए दोनों की डायमेंशन बराबर होनी चाहिए। सो वी कैन राइट ए टू द पावर एन एज एक्स टू द पावर एन डायमेंशनली। मैं इक्वल नहीं रख रहा हूँ, मैं डायमेंशन इक्वल रख रहा हूँ उनकी, ये ध्यान रखना। तो देखिए स्टूडेंट LHS की डायमेंशन RHS के बराबर होनी चाहिए, सो फ्रॉम LHS एंड RHS आई कैन इजीली शो दैट n इज इक्वल टू जीरो। सो आवर आंसर इज स्टूडेंट्स दैट n इज इक्वल टू जीरो, ये आपका आंसर आ गया इसका। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट जो ये क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर IIT JEE में पूछा हुआ है, पिछले सालों में आया हुआ है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए आपको दिया हुआ है इन द रिलेशन p इज इक्वल टू अल्फा बाय बीटा e टू द पावर माइनस अल्फा g बाय k थीटा, p इज प्रेशर, z इज डिस्टेंस, k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, थीटा इज टेम्परेचर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। आपको ओरिजिनल क्वेश्चन में ये डायमेंशन नहीं दी हुई थी, मैंने यहाँ पे आपको ये डायमेंशन दी है, आप इनको याद भी कर लेना। ओके सो देखिए क्वेश्चन में आपको एक रिलेशन दे रखा है ये, और आपको पूछा हुआ है कि बताइए अल्फा और बीटा की क्या डायमेंशन होंगी। तो सबसे पहले मैं अगर ध्यान से इस एक्सप्रेशन को देखूं तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये आर्ग्यूमेंट दे रखा है आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ये आर्ग्यूमेंट है। और मैं जानता हूँ कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आर्ग्यूमेंट की कोई भी डायमेंशन नहीं होनी चाहिए। सो फर्स्ट थिंग दैट आई कैन राइट इज अल्फा जी बाय के थीटा मस्ट बी डायमेंशनलेस, इट शुड हैव डायमेंशन एम जीरो एल जीरो टी जीरो। तो देखिए अब इसकी जो भी डायमेंशन आपको पता है जिन जिन क्वांटिटीज की उनकी लिख लीजिए, और जिसकी नहीं पता उसकी निकाल लो। सो दिस इंप्लाइज डायमेंशंस ऑफ अल्फा, देखिए जेड आपको दिया हुआ है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को हम लेंथ की टर्म्स में मेजर करते हैं, इसकी डायमेंशन क्या होंगी, लेंथ की डायमेंशन के बराबर। के की आपको डायमेंशन दी हुई है एम एल टू टी माइनस टू के माइनस वन। आपको मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ ये के का मतलब है केल्विन और ये टेम्परेचर की डायमेंशन होती है, और थीटा थीटा इज स्टूडेंट्स टेम्परेचर, तो इसकी डायमेंशन क्या होंगी के। ओके और ये किसके बराबर था स्टूडेंट, ये पूरी क्वांटिटी डायमेंशनलेस होनी चाहिए एम जीरो एल जीरो टी जीरो, डायमेंशनलेस होनी चाहिए ये। सो दिस इंप्लाइज अल्फा, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी अल्फा की डायमेंशन आ जाएंगी एम एल टू टी माइनस टू, देखिए के माइनस वन के ये कैंसल आउट हो जाएगा और ये L जो है नीचे आ जाएगा, सो यू विल गेट एम एल टी माइनस टू। सो अल्फा इज हैविंग द डायमेंशन ऑफ एम एल टी माइनस टू, अगर आप ध्यान से देखो तो ये फोर्स की डायमेंशन है एम एल टी माइनस टू। अच्छा तो अब आपके पास अल्फा की डायमेंशन आ गई। दूसरी बात स्टूडेंट्स एक चीज देखना आप, इधर प्रेशर है और इधर अल्फा बाय बीटा और एक्सपोनेंशियल में ये लिखा हुआ है, तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन लिखूंगा तो वो प्रेशर के बराबर होंगी, और राइट हैंड साइड की डायमेंशन भी किसके बराबर होनी चाहिए, प्रेशर के बराबर ही तो होनी चाहिए। LHS लेफ्ट हैंड साइड में जो डायमेंशन है वही तो राइट हैंड साइड की होंगी, सो आई कैन राइट ऑल्सो डायमेंशन ऑफ P मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा बाय बीटा, ये भी होना चाहिए। ये इसलिए होना चाहिए क्योंकि एक्सपोनेंशियल ये तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो केवल ये बच जाएगा और इसकी डायमेंशन प्रेशर के बराबर होनी चाहिए। अल्फा की डायमेंशन मैंने निकाल ली है एम एल टी माइनस टू, बीटा की आप निकाल सकते हो। देखिए आगे मैं सोल्व कर देता हूँ इसको, व्हाट यू विल गेट स्टूडेंट्स अल्फा मस्ट हैव डायमेंशंस ऑफ सॉरी बीटा मस्ट हैव डायमेंशंस ऑफ अल्फा बाय प्रेशर, डायमेंशन ऑफ प्रेशर, और अल्फा की डायमेंशन कितनी है स्टूडेंट्स एम एल टी माइनस टू, अल्फा इज हैविंग डायमेंशन ऑफ एम एल टी माइनस टू डिवाइड बाय प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है स्टूडेंट्स, प्रेशर की डायमेंशन आप याद रख सकते हो फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स की होती है एम एल टी माइनस टू, एरिया से डिवाइड करोगे एल स्क्वायर से, तो इसकी डायमेंशन आएंगी एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो जब आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर,
सो डायमेंशंस ऑफ बीटा इज एल स्क्वायर एंड डायमेंशन ऑफ अल्फा इज एम एल टी माइनस टू। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व भी कर सकते हैं। आपको बस कुछ डायमेंशंस जो हैं वो याद रखनी चाहिए या फिर उनके फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए, नहीं तो इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। और देखिए ये जेई में आया हुआ है क्वेश्चन, आईआईटी जेई में पूछा हुआ था ये क्वेश्चन। ओके हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, चेक द एक्यूरेसी ऑफ इक्वेशन एफ इज इक्वल टू 6π ईटा आर वी। देखिए इसमें जो एफ है वो फोर्स है, 6π कांस्टेंट है, ईटा इसको हम कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं। अभी के लिए बस आप इसका नाम और इसके डायमेंशन याद रख लीजिए, ये आप फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर पढ़ेंगे 11th क्लास में कि ये क्या होता है। ओके आर इज द रेडियस ऑफ दैट बॉल एंड वी इज इट्स वेलोसिटी। स्फेरिकल बॉल का रेडियस आपको आर दिया हुआ है और उसकी वेलोसिटी वी दी हुई है। आपको बताना है कि क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। यू हैव टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ दिस इक्वेशन। ओके सो स्टूडेंट्स वी कैन टेल वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। ओवरऑल हम चेक नहीं कर सकते हैं लेकिन हम डायमेंशनली बता सकते हैं कि डायमेंशनली ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। ओके सो हमें करना क्या होता है, हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन देख लेते हैं और अगर दोनों बराबर हैं तो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगी। सो दिस एक्यूरेसी इज ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस। सो दिस इज एक्चुअली डायमेंशनल एक्यूरेसी दैट वी आर टॉकिंग ओवर हियर, दैट इज डायमेंशनल एक्यूरेसी। ओके सो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन क्या होंगी स्टूडेंट्स, दैट इज डायमेंशन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू। RHS में अगर हम देखें तो RHS के अंदर हमारे पास सबसे पहले 6π है, तो 6π एक कांस्टेंट है जिसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है, तो 6π की डायमेंशन तो होंगी नहीं। नेक्स्ट इज ईटा, तो ईटा की आपको डायमेंशन याद रखनी है, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन होती है ml-1 t-1, याद रख लोगे ml-1 t-1। ओके रेडियस, रेडियस को देखिए लेंथ की टर्म्स में ही मेजर करेंगे हम, सो दिस इज हैविंग डायमेंशन ऑफ लेंथ। v velocity, velocity की डायमेंशन क्या होंगी स्टूडेंट्स, lt-1 length upon time, that is lt-1। so these are the dimensions on the right hand side। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो देखिए m ये तो as it is आ गया, फिर l-1 और यहाँ पे l into l है, that is l square, तो l square में से l की पावर माइनस वन करोगे तो ये आ जाएगा l-1, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, फिर t-1 एक t-1 यहाँ पे, सो दिस इज t-2। सो आपका राइट हैंड साइड में जो डायमेंशन आई है मल्टीप्लाई करने के बाद वो आई है ml t-2। सो वी कैन इजीली सी दैट दीज टू डायमेंशंस आर एग्जैक्टली सेम, द डायमेंशंस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड डायमेंशंस ऑन द राइट हैंड साइड आर एग्जैक्टली सेम। सो आई कैन सी दैट दिस इक्वेशन इज, सो इक्वेशन इज करेक्ट डायमेंशनली। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि डायमेंशनली तो ये करेक्ट है, बाकी ओवरऑल हम नहीं बता सकते कि ये करेक्ट है या नहीं, बट डायमेंशनली इट इज करेक्ट। फाइन, ये देखिए स्टूडेंट ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेट अस कंसीडर एन इक्वेशन हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच वेयर एम इज द मास, दिस एम इज द मास ऑफ द बॉडी, वी इज इट्स वेलोसिटी, G is acceleration due to gravity, H is the height, check whether the equation is dimensionally correct। आपको बताना है क्या ये equation dimensionally correct है या नहीं। तो बहुत ही आसान है, फिर से हम पहले क्या देखेंगे students? पहले हम left hand side देखेंगे, left hand side की जो dimensions होंगी students, that will be dimensions of half mv square। अब मैंने आपको बताया half क्या है, एक constant है, उसकी कोई dimension नहीं होगी, mass की dimension m और v स्क्वायर की डायमेंशन lt-1 होल स्क्वायर, सो यू विल गेट ml2 t-2। तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन आ जाएंगी ml2 t-2। अब बात करते हैं RHS की, तो RHS में देखिए क्या दिया हुआ है mgh, सो m दैट इज मास, मास की डायमेंशन ये मैंने लिख दी, g एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमने देखी थी lt-2 और h हाइट है, हाइट की डायमेंशन l के बराबर होंगी, so you'll get ml2
एक एल यहां पे, एक एल यहां पे, तो एल टू टी माइनस टू. सो दीज टू आर सेम. डायमेंशन ऑफ एल एच एस आर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आर एच एस. हेंस द गिवन इक्वेशन इज करेक्ट ऑन डायमेंशनल ग्राउंड. सो वी विल राइट हेंस द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. स्टूडेंट्स दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में आपको डायमेंशन एनालिसिस की पावर का पता चलेगा, आपको पता चलेगा वो कितनी इंपॉर्टेंट है. अ बुक विद मैनी प्रिंटिंग एरर्स कंटेन फोर डिफरेंट फॉर्मूला फॉर द डिस्प्लेसमेंट वाई ऑफ ए पार्टिकल अंडर गोइंग अ पीरियोडिक मोशन. देखिए जो डिस्प्लेसमेंट है एक पार्टिकल की जब वो पीरियोडिक मोशन कर रहा है, पीरियोडिक का मतलब जो रिपीट करे अपने आप को, ठीक है, एक रेगुलर इंटरवल के बाद एक ऐसा मोशन जो अपने आप को रिपीट करता है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट को आप इन फॉर्मूलाज से लिख सकते हो. वाई और ए को मीटर में मेजर किया गया है, मतलब ये दोनों ही क्वांटिटी जो है इनकी डायमेंशन सेम है, ये आपको इससे पता चल रहा है क्योंकि ए और वाई दोनों को मीटर में मेजर किया गया है, दोनों की डायमेंशन सेम है. दूसरा ये टी और टी, ये दोनों टाइम बता रहे हैं स्टूडेंट, दिस इज टाइम पीरियड. ओके, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला जो है वो रॉन्ग है ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन. आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला गलत है. तो आप इसको देखिए आसानी से बता सकते हैं. सबसे पहले मैं इस फॉर्मूला की बात करता हूं, तो इस फॉर्मूला में देखिए ये तो डायमेंशन लेस होगा क्योंकि साइन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, डायमेंशन लेस है. इसके बाहर स्टूडेंट ए रखा हुआ है तो इसकी डायमेंशन भी लेंथ के बराबर है, इसकी डायमेंशन भी लेंथ के बराबर है. तो एल एच एस इज हैविंग डायमेंशन इक्वल टू आर एच एस, तो दोनों की डायमेंशन सेम आ गई. इसका कोई रोल नहीं है क्योंकि इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन बराबर है, इसकी डायमेंशन लेस होना चाहिए और ये डायमेंशन लेस है क्योंकि टी बाई टी जो है टी टाइम की डायमेंशन होंगी, इसकी भी टाइम की डायमेंशन होंगी, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, टू पाई डायमेंशन लेस है. तो ये फॉर्मूला तो करेक्ट है स्टूडेंट, फर्स्ट फॉर्मूला इज करेक्ट. नेक्स्ट वन, y इज इक्वल टू ए साइन वी टी. तो यहाँ पे स्टूडेंट v जो है ये वेलोसिटी बता रहा है और t जो है टाइम है, तो ऑब्वियसली ये फॉर्मूला गलत है. ये गलत क्यों है, दिस फॉर्मूला इज रॉन्ग वाई, बिकॉज वेलोसिटी इंटू टाइम अगर आप करोगे तो वेलोसिटी की डायमेंशन होती है lt माइनस वन, और lt माइनस वन को अगर आप t से मल्टीप्लाई करेंगे तो l बच जाएगा. और मुझे पता है कि इसका आर्ग्यूमेंट क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए, लेकिन ये डायमेंशन लेस आ नहीं रहा, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला गलत है. नेक्स्ट देखिए सी. सी में यहाँ पे स्टूडेंट ए बाई टी लिखा हुआ है, ए इज हैविंग डायमेंशन ऑफ लेंथ एंड टी इज हैविंग डायमेंशन ऑफ टाइम, तो ये आ गया एल टी माइनस वन, जबकि मुझे पता है कि वाई की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, एल के बराबर होनी चाहिए. तो ना ही ये आर्ग्यूमेंट में भी ठीक है, आर्ग्यूमेंट में भी देखिए टाइम अपॉन लेंथ आ रहा है, डायमेंशन लेस नहीं आ रहा है, तो यहां पे भी गलत है और यहां पे भी गलत है, तो ये फॉर्मूला भी स्टूडेंट्स रॉन्ग है. ओके, नेक्स्ट वाई इज इक्वल टू ए रूट टू साइन टू पाई बाई टी इंटू टी कोस टू पाई टी बाई टी, तो ये फॉर्मूला करेक्ट है देखिए बिल्कुल, क्योंकि ये डायमेंशन लेस है टी बाई टी, ये भी टी बाई टी, टाइम से टाइम की डायमेंशन कैंसिल आउट हो जाएंगी, डायमेंशन लेस आएगा. और ए रूट टू दिस इज हैविंग डायमेंशन ऑफ लेंथ, दिस इज ऑल्सो हैविंग डायमेंशन ऑफ लेंथ, तो लेफ्ट हैंड साइड इज हैविंग डायमेंशन इक्वल टू राइट हैंड साइड, दिस फॉर्मूला इज करेक्ट. सो दीज टू फॉर्मूलाज ए एंड डी आर करेक्ट बट बी एंड सी आर इनकरेक्ट. तो आपने इनको रूल आउट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल ग्राउंड. आप इजीली कह सकते हैं स्टूडेंट ये दोनों फॉर्मूला जो है ये गलत है.